लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अकबर नगर इलाके में बताया जा रहा अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको अकबर नगर की दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख पाएंगे बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर। कमर्शियल इमारतों को तोड़कर रास्ता जो है बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। आपको 2-3 बुलडोजर नजर भी आ जाएंगे और इस अवैध अतिक्रमण को ढहाया जा रहा है। ये एक्शन लखनऊ के अकबर नगर इलाके में कुकरैल नदी के आसपास बनी अवैध इमारतों पर हो रहा है। लगभग 100 से ज्यादा इमारतें बताई जा रही हैं जिसे अब तक ढहाया गया है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में करीब 1100 आवासीय अवैध निर्माण हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी मनीष की, देखिए और समझिए कि कैसे ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आए मकानों को तोड़ने का अभियान दोबारा शुरू हो गया है। एलडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार से ये एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। देखिए बुलडोजर लगाकर नदी के आसपास जो अब नाले में तब्दील हो गई है, जितने मकान बने थे उनको ढहाया जा रहा है। इनकी संख्या लगभग 1100 बताई जा रही है। 1100 पक्के मकान थे, अगर झुग्गी झोपड़ियों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1500 हो जाती है। अकबर नगर का ये इलाका है और यहाँ पर कुकरैल रिवर फ्रंट बनाया जाना है। राज्य सरकार की कोशिश ये है कि नाले में तब्दील हो सके, हो चुके इस कुकरैल नदी को दोबारा से उसके पुराने स्वरूप में बहाल किया जाए, और इसके लिए कोशिशें की जा रही थी। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं इसका विरोध कर रहे थे। कई बार पुलिस पर पथराव भी हुआ जब ये एक्शन शुरू हुआ, लेकिन अब दोबारा से एक्शन शुरू हो रहा है। कल ऐसे हालात हो गए कि थोड़े से तनावपूर्ण यहाँ पर चीजें देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर लोगों पर लाठीचार्ज करके उन्हें दूर किया गया। और अब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। वसंत कुंज योजना में इन लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, मतलब पुनर्वास का पूरा इंतजाम राज्य सरकार कर रही है। और इन सब के बीच एलडीए ने अपना साइट ऑफिस भी बना रखा है। यहाँ पर एलडीए के अफसर भी मौजूद हैं, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर बातचीत की जा सके। और देखिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका सामान लेकर यहाँ से नगर निगम के जो ट्रक हैं इन्हें पुनर्वास करने के लिए ले जा रहे हैं। तो राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। जो लोग हैं वो उनका बेहतर तरीके से पुनर्वास भी हो सके, ऐसी व्यवस्था नगर निगम और एलडीए के सहयोग से की जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है, अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। 10 जून को ये ऑपरेशन, ये अभियान जो है वो शुरू हुआ था और 1100 बताए जा रहे हैं अवैध निर्माण हैं जिसको ढहाया जा रहा है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पुनर्निवास की तैयारी भी कर ली गई है जैसा कि मनीष हमारे सहयोगी बता रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन और जो है ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी। यहाँ पर ये जो तमाम आप निर्माण देख रहे हैं ये अवैध बताया जा रहा है और यही वजह है कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।